स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया भर में कोविड लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स पर खूब बात की जाती है, लेकिन शायद ही कोई इस बात को एक्नॉलेज करे कि कोविड 19 न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी में बल्कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी नए आयाम खोलने में सफल रहा है, जिसमें सबसे हैरान करने वाला बदलाव इंडिया में बढ़ते वांडरलस्ट कल्चर की वजह से देखने को मिला है। booking.com ने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें यह डिक्लेयर किया गया कि 2030 तक इंडिया में लोग $410 बिलियन ट्रैवलिंग पर खर्च करेंगे, जो कि 2019 में सिर्फ $150 बिलियन ही था, यानी एक डिकेड में 173% की ग्रोथ। इसके साथ ही इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल स्पेंडर इन ट्रैवल बन जाएगा। देश में बढ़ता ये एक्सपेरिमेंटल ट्रैवल इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी सफल होगा। आमतौर से हफ्ते के 5 दिन काम करके जो लोग 2 दिन घर पर बैठ के टीवी देखने, सोने या पार्टी करने में बिता देते थे, वही लोग कोविड के बाद से वीकेंड को अपनी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्ग वेकेशन ट्रैवलिंग के साथ ही साथ शॉर्ट टाइम ट्रैवलिंग की वजह से इंडिया में ये कल्चर बढ़ा है। ऐसे में जिस वीकेंड कल्चर को नेगेटिवली देखा जाता था, आज वही देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इंडिया में इस तरह का ट्रेंड शुरू कैसे हुआ, ये देश के लिए कितना जरूरी है और इससे आने वाले टाइम में देश को क्या क्या फायदा होगा, हम यही आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस के GS पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2020 में कोविड 19 आने के बाद लोग लगभग 2 साल तक अपने घरों में बंद रहे, जिस दौरान उन्हें घर से बाहर की दुनिया और उस दुनिया को एक्सपीरियंस करने की क्रेविंग होने लगी। इसे अगर साइकोलॉजिकली देखें तो इंसान अधिकतर वही चीजें करने में ज्यादा खुश होता है जिसे करने की उसे मनाही होती है। लॉकडाउन के समय सबसे बड़ी पाबंदी कहीं जाने की थी, इसलिए लोगों के मन में इसके खिलाफ एक भावना जन्म लेने लगी, जिसे जैसे ही खुलने का मौका मिला, लोग ट्रैवलिंग के नए नए रास्ते और नए नए अनकन्वेंशनल वेज की तलाश करने लगे, जिसे रिवेंज ट्रैवलिंग भी कहा जाने लगा, और इसका असर सोशल मीडिया से होते हुए पूरे देश में फैल गया। दोस्तों, यही कारण है कि लोगों ने छोटे छोटे हॉलीडेज को भी फैमिली के साथ बिताने की बजाय घूमने में खर्च करने की आदत बना ली है। देखा जाए तो 2021 में Airbnb और यूगो ने एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें इंडियन ट्रेवलर्स के ट्रेंड को एंटिसिपेट किया गया। सर्वे में पाया गया कि डोमेस्टिक ट्रेवल में अधिकतर इंडियंस रोड ट्रिप्स के जरिए शॉर्ट और क्विक गेटवेज में बिलीव कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये कि रोड ट्रिप के जरिए इंडियन ट्रेवलर्स ज्यादा लोकल एक्सपीरियंस को फील कर पाते हैं, साथ ही वो ऐसी किसी लोकेशन पर रहना पसंद करते हैं जो नेचर से ज्यादा जुड़ी हुई हो, और ऐसा वो अधिकतर वीकेंड ब्रेक में करते हैं। मुकुल सुखानी, जो कि मास्टर कार्ड साउथ एशिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इंडियन ट्रेवलर्स के बदलते तरीकों पर बात की है। उनका कहना था कि इंडियन ट्रेवलर्स किसी मटेरियलिस्टिक चीज की बजाय अधिकतर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स पर पैसे खर्च करना चाहते हैं। मास्टर कार्ड के सर्वे में यह भी पता चला कि 77% ट्रैवलर्स वीकेंड ट्रैवलिंग या शॉर्ट ट्रिप के दौरान अधिकतर समय अपने साथ बिताना चाहते हैं। यही वजह है कि वे ऐसी एक्सपेरिमेंटल ट्रिप्स और सोलो ट्रैवलिंग पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, इसी सर्वे में पता चला है कि 92% ट्रैवलर्स इंट्रोस्पेक्शन के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहीं 93% लोग मेंटल हेल्थ को कारण मानते हैं। इसके अलावा 94% लोग इसलिए वीकेंड ट्रैवलिंग या शॉर्ट ट्रैवलिंग को अपना रहे हैं ताकि वो नई एनर्जी के साथ अपने डेली वर्क लाइफ को मेंटेन कर सके। देखा जाए तो इससे क्लियर होता है कि लोग हॉलीडेज की बजाय अपने मेंटल हेल्थ और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए शॉर्ट ट्रैवलिंग को अपना सबसे बेहतर ऑप्शन मान रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, UPSC की प्रिपरेशन में बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन और नाइटमेयर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले यही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ऑप्शनल लें, फिर क्लासेस लें या नहीं, यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, या लें तो कहां से लें, और सब अगर सॉर्ट आउट कर भी लिया तो ये डर कि यार एक बार में नहीं समझ आया तो। 500 मार्क्स का वेटेज कैरी करने वाला ऑप्शनल आपका एक अटेम्प्ट या फिर सारे अटेम्प्ट्स को बर्बाद कर सकता है, और इसी डर को दिल से निकालने के लिए और आपके लिए अफोर्डेबल फी पे मुहैया करा रहे हैं। वैसे तो ऑप्शनल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर जो मोस्ट सॉर्टेड और फेवरेट कोर्सेज हैं वो आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम पैकेज में मिल जाएंगे। GS कोर्सेज की तरह यहाँ पर भी सिर्फ कोर्स के ड्यूरेशन का फर्क है। अपने फील्ड के वेटरन और रिनाउंड फैकल्टीज के द्वारा आपको PSIR, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और हिंदी साहित्य के कोर्सेज 15999 से लेकर 19999 तक मिल जाएंगे। दोस्तों, ऑप्शनल की लाइव क्लास के साथ क्वालिटी क्यूरेटेड हैंड रिटन नोट्स, लाइव आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स रिलेटेड एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको उसमें मिल जाएगी। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।
चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यही कारण है कि डोमेस्टिक टूरिज्म और वीकेंड गेटवेज ड्रामेटिकली इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। 2023 के डेटा की माने तो इस साल लगभग 300 मिलियन डोमेस्टिक ट्रेवलर्स अक्रॉस इंडिया ट्रेवल करेंगे, जिसमें सरप्राइजिंग बात यह कि 100 मिलियन से अधिक ट्रेवलर्स वीकेंड गेटवेज को एंजॉय करने वाले लोग हैं। दोस्तों, इस कल्चर को बढ़ावा देने में कुछ वेरिएबल्स भी हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग डिस्पोजल इनकम, यानी लोगों के पास अपने खर्चे से ज्यादा पैसे होना। लोग जिसे आमतौर पर सेव करते थे, आज वही पैसे ट्रैवलिंग में खर्च किए जाते हैं, जो कि एक नया ट्रेंड बन गया है। इसके अलावा अफोर्डेबल एयर ट्रैवल की वजह से भी अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करना, वो भी लिमिटेड टाइम में, अब काफी आसान हो गया है। साथ ही बीते कुछ समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से भी लोगों के बीच इंडिया में टूरिज्म अपॉर्चुनिटी की नॉलेज बढ़ी है। जहां तक लोगों को पहुंचाने और उन्हें मोर लोकल एक्सपीरियंस देने की बात है, तो उसमें ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म जैसे booking.com या Airbnb भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, इस बदलते कल्चर में ये भी देखने को मिल रहा है कि मंदिरों या बड़े पवित्र स्थलों में भी यूथ स्पिरिचुअलिटी सीख करते हुए जा रहे हैं। जहां आमतौर से ओल्ड एज टूरिस्ट जाया करते थे, इसे अगर डेटा की मदद से समझे तो कांवर यात्रा 2022 में 38 मिलियन श्रद्धालु उत्तराखंड गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड नंबर है। इसी तरीके से गोल्डन टेंपल में भी प्री कोविड से लगभग 1,00,000 ज्यादा श्रद्धालु हर रोज दर्शन के लिए आ रहे हैं। देखा जाए तो आज पूरे भारत भर में लगभग यही सिचुएशन है। और अगर एक्सटेंडेड वीकेंड और पब्लिक हॉलीडेज की बात करें, तो ऐसे पवित्र स्थलों पर लोग प्री पैंडेमिक की तुलना में लगभग 2 times ज्यादा आ रहे हैं, जिनमें आमतौर से यूथ ही हैं। ऐसे में दोस्तों, हम ये समझ सकते हैं कि कोविड के बाद से इंडियन यूथ में खुद को इम्पोर्टेंस देने का ट्रेंड बढ़ा है। यही वजह है कि देश में वांडरलस्ट, वीकेंड गेटवेज या एक्सपेरिमेंटल ट्रैवलिंग का एक अलग ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें सेल्फ हैप्पीनेस के साथ ही साथ नेशनल इकोनॉमी की हैप्पीनेस भी इंक्रीज हो रही है। और आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आज इंडिया यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड होने के साथ ही साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP वाला देश भी है। ऐसे में इंडियन GDP की ग्रोथ पर इंडियन यूथ का इम्पैक्ट बहुत साफ समझ आता है। देश के युवा जिस तरीके से बिहेव करेंगे, देश की इकोनॉमी भी उसी तरीके से बिहेव करेगी। इसे ऐसे समझें कि अगर इंडियन यूथ अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बजाय स्पेंड के सेव करते हैं, तो जाहिर है कि देश की इकोनॉमी में ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आज इंडियन यूथ सेविंग के बजाय ज्यादा पैसे ट्रैवलिंग या फिर अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, जिसका असर टूरिज्म सेक्टर के एनुअल टर्नओवर में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 2022 में इंडियन इकोनॉमी में ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 15.7 ट्रिलियन रुपीस का था, जो कि साल के अंत तक 16.5 ट्रिलियन रुपीस होने की बात कही जा रही है। और अगले 10 सालों में 37 ट्रिलियन रुपीस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ यही सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में करेगा, जिसमें जाहिर है कि फॉरेन ट्रैवलर्स भी शामिल होंगे। लेकिन अगर आप इसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को अलग करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि इस कंट्रीब्यूशन में डोमेस्टिक ट्रैवलर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। देखा जाए तो 2022 के डेटा को भी इंटरसेक्ट करने पर यह पता चलता है कि 15.7 ट्रिलियन रुपीस में इंडिया के डोमेस्टिक ट्रैवलर्स ने 12.3 ट्रिलियन रुपीस खर्च किए, जो अगले 10 सालों में 28.7 ट्रिलियन हो जाएगा। दोस्तों, इसी से आप समझ सकते हैं कि अगले 10 सालों में डोमेस्टिक ट्रैवलर्स आज से 16 ट्रिलियन रुपीस ज्यादा खर्च करेंगे, जिसमें वीकेंड कल्चर और शॉर्ट ट्रिप्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ऐसे में जितना ज्यादा खर्च होगा, वो उतना ही इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में फायदेमंद होगा। साथ ही देश में बढ़ता है कल्चर बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। अगर 2023 के डेटा की बात करें, तो इस साल के अंत तक इंडिया के ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में लगभग 39 मिलियन लोगों के एम्प्लॉयमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आज रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इस सेक्टर में लगभग 50 मिलियन लोग काम करते हैं, जिनकी संख्या आने वाले सालों में और बढ़ेगी। साथ ही इस एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का असर भी देश की तरक्की में साफ नजर आएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर यह भी समझना होगा कि आज इंडियन GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देश का सर्विस सेक्टर ही है, जो इंडियन GDP में 50% से अधिक कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी ग्रोथ रेट बाकी सेक्टर से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर की बात करेंगे, तो वो कोई और नहीं बल्कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर ही है। ऐसे में अगर इंडिया के वीकेंड कल्चर से सर्विस सेक्टर को फायदा होता है, तो वो इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों, वीकेंड कल्चर के बढ़ने के साथ ही साथ इंडिया के लोकल MSMEs मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा। नितिन गडकरी जी का भी यही मानना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर लिया जाए, तो उसे टूरिज्म सेक्टर को तो बूस्ट मिलेगा ही, साथ ही MSMEs के लिए भी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। देखा जाए तो इसी बदलते कल्चर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी सेक्टर से इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते बनाए हैं, जिसका ध्यान रखते हुए पिछले साल नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 को ड्राफ्ट किया गया है। दोस्तों, इसका विजन है कि इंडिया के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इस तरीके से रिफॉर्म किया जाए, जिससे लोगों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिले और देश में सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसी विजन के साथ पॉलिसी मेकर्स ने भी कुछ मिशन बनाए हैं और टारगेट भी सेट किए हैं, जिसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, इस टारगेट चार्ट में सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है डोमेस्टिक टूरिस्ट के नंबर्स में ग्रोथ,
गवर्नमेंट 2047 तक डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के नंबर्स को 15 बिलियन एनुअली पहुंचाने का टारगेट सेट कर चुकी है, जिसे देश का टूरिज्म जीडीपी में 1000 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। और ये तभी होगा जब वीकेंड गेटवेज और शॉर्ट ट्रिप्स को इजी बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये पॉलिसी अभी सिर्फ ड्राफ्ट हुई है, सरकार का रवैया अभी भी सेक्टर पर उतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आइए समझते हैं कि इस बदलते कल्चर को मनी में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने होंगे। दोस्तों, आज दुनिया भर के देशों में टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे एसेंशियल इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन इंडिया में अभी भी सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और अंडर डेवलप्ड ही है। भारत की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी रिच है कि इंडिया के बाहर जाए बिना भी हर तरह की जियोग्राफी का एक्सपीरियंस यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस सेक्टर को सालों से इग्नोर किया जाता रहा है। इसलिए आज भी लोगों को ट्रैवल करने से पहले बहुत से सिक्योरिटी और सेफ्टी चेक करने पड़ते हैं। आज जो सेक्टर देश में एनुअली 50 मिलियन जॉब्स देने के साथ ही साथ देश के जीडीपी में 6% कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही देश के इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स भी है, उस सेक्टर का बजट सिर्फ 2000 करोड़ रुपए ही है। जबकि इंडिया में कोविड के बाद इस सेक्टर में काफी तेजी से ग्रोथ हुई है। इस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सरकार को अगले 2 सालों तक इस सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए और इसे इंडस्ट्रियल स्टेटस भी देना चाहिए। साथ ही राइजिंग सेक्टर को एनकरेज करने और इनबाउंड टूरिज्म से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स में छूट देनी चाहिए। इसे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में तय किए गए टारगेट्स को भी अचीव कर पाएगी। साथ ही गवर्नमेंट को यह भी समझना होगा कि यह सेक्टर रैपिडली चेंज होने वाला सेक्टर है, इसलिए उसमें रेवेन्यू की कांस्टेंट ग्रोथ के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को लगातार अपग्रेड करती रहे, साथ ही उसमें न्यू एज टेक्नोलॉजी को भी ऐड करें। देखा जाए तो अपनी रिच डाइवर्सिटी की वजह से लगभग पूरा देश ही टूरिज्म को अपनी ओर खींचता है। इसमें कोई हिस्सा अपने कल्चर, कोई नेचर और कोई पवित्र स्थल होने की वजह से पॉपुलर है। ऐसे में पूरे देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिसे लेकर गवर्नमेंट पहले से बहुत सारे काम कर रही है। फिर चाहे वो रोड एंड हाईवेज हो या टेम्पल्स के अराउंड नए कॉरिडोर्स बनाकर ऐसे प्लेसेस को टूरिस्ट के लिए ब्रीथेबल बनाना हो। लेकिन अभी भी नेचुरल ब्यूटी से बाहर हुए और कल्चरली रिच इंडिया के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तक आसानी से टूरिस्ट का पहुंचना मुश्किल है। फिर चाहे वो उत्तराखंड की मिड हिमालयन रेंज हो, नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी हो या फिर रिमोट आइलैंड्स, ऐसे में सरकार को इन जगहों तक पहुंचने के लिए इजी वेज बनाने होंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट तैयारी भी कर रही है। खासकर जिस शॉर्ट ट्रिप्स के लिए हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात कर रहे हैं, उसी तरफ गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम शुरू हुए हैं। देखा जाए तो 2023 से 24 के बजट में ही देश में 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने का काम चल रहा है, जिससे लोगों के पास डेस्टिनेशन के नाम पर नए ऑप्शंस अवेलेबल हों। इसके साथ ही डोमेस्टिक टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन स्कीम और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। दोस्तों, इन सब का एक ही एम है और वो है देश में आए इस वंडरलस्ट कल्चर के ट्रेंड को इकोनॉमी से जोड़ना, जिससे लोग अपने एक्सपीरियंस और रिफ्रेशमेंट के लिए आसानी से ट्रैवल कर सके और उनकी इस प्लानिंग से इकोनॉमी भी ग्रो करे। दोस्तों, इंडियन यूथ के द्वारा बदलता ये कल्चर न सिर्फ आज इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेगा, बल्कि इंडियन टूरिज्म की दिशा और दशा को भी बदल देगा, जिससे देश में ट्रैवलिंग का एक रिच कल्चर डेवलप होगा। क्योंकि इंडिया के पास इतनी डाइवर्सिटी है कि वो दुनिया का टूरिस्ट कैपिटल बन सकता है, इसलिए इंडिया में बढ़ता ट्रैवलिंग कल्चर उसे टूरिस्ट कल्चर बना देगा। दोस्तों, हिंदी के बड़े प्रोमिनेंट राइटर राहुल संकृत्यायन ने किसी भी देश की तरक्की के लिए वहां के नागरिकों में घुमक्कड़ यानी कि ट्रैवलिंग की क्वालिटी को सबसे जरूरी माना था। उनका कहना था कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। ऐसे में अगर देश में लोग ट्रैवलिंग को अपनाते हैं तो ये देश की इकोनॉमी के साथ ही साथ कंबाइंड इंटेलेक्ट के लिए भी कैटलिस्ट का काम करेगा। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।